नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा और सिरसा में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले शुमार गांव में इस वक्त मैं रिसालिया खेड़ा में हूं। सबसे बेमिसाल कहानी ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी अक्सर अपने भाषणों में इसी गांव के छोरे और छोरियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये गाँव के जो युवा और युवतियाँ हैं वो पढ़कर अपना खाली समय ना बिताकर बल्कि लाइब्रेरी में जाकर और गौ माता की सेवा करके सरकारी नौकरी को प्राप्त करने में ही ये लोगों की इच्छा रहती है। और इस वक्त मैं गांव रिसालिया खेड़ा की गौशाला में हूं। सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं। यहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो युवा गौ सेवक हैं, गौरक्षा दल भी है और सेवादार भी हैं। पूरे गौशाला की कमेटी सेवादार यहां पर इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको हैरानी होगी, पिछले 5 सालों से लगातार जब भी हरे चारे का सीजन आता है, सीजनेबल ये पूरे गौ भक्तों की टीम है, रोजाना सुबह जब आप नींद ले रहे होते हैं तब ये लोग गौ माता के लिए हरा चारा काट रहे होते हैं। रोजाना पिकअप ट्रैक्टर ट्रालियों से भरकर चाहे कितने भी किलोमीटर क्यों ना जाना पड़े, ये युवा मंडली जो युवा गौरक्षा दल ये टीम है, ये टीम हर साल इसी सीजन में हरा चारा लाकर गौ सेवा करती हैं, जो कि वाकई बेमिसाल है। आप कमेंट में जय गौ माता और इनके लिए हौसला अफजाई करिएगा। इस पूरे इलाके की, सिरसा जिला की 1986 से स्थापित ये इस इलाके की ऐसी सबसे बड़ी और पहली और पुरानी गौशाला है जिसमें इस पूरे इलाके की आस्था है। ये बात अलग है कि हरियाणा के सिरसा जिला में सबसे ज़्यादा गौशालाएँ हैं, लेकिन यहीं से लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और ये कहानी भी आज आपको वाकई ही प्रोत्साहित गौ सेवा के लिए करेगी, आपको उत्साहित करेगी, आपको जज्बा देगी गौ सेवा करने का। और जब हमने अगले अलग अलग इंटरव्यू में इन लोगों से पूछा था कि क्यों आपके गांव के लोग सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा टॉनिंग, सबसे बड़ा राज इन लोगों ने ये बताया था कि इस गाँव के लड़के लड़कियां गौ सेवा करते हैं। तो यही वो गौशाला, वो गोधाम है जहां पर लोगों की, इस गांव की सबसे बड़ी आस्था है। और उसी आस्था का केंद्र, उसी आस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इतनी बड़ी संख्या में 50 से भी ज़्यादा युवाओं की ये टोली है जो पिछले 5 सालों से लगातार हरा चारा लाने की सेवा कर रही है। तो आप दबा के इसको शेयर कीजिएगा। मेरे साथ युवा सदस्य हैं, पूरी गौशाला की कमेटी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले गौरक्षा दल, ये जो पूरे इनके अगुवाई में सारे के सारे मिलकर गौ सेवा करते हैं, गौ भक्त हैं सारे के सारे। भाई साहब, ऐसा क्या जज्बा है कि आप लोग रोजाना हरा चारा लेने जाते हो, सार्वजनिक काम भी करते हो, जीव जंतुओं की रक्षा भी करते हो, गौरक्षा दल भी आपका है, कितने युवाओं की आपकी टीम है, कब से आपको ये प्रेरणा मिली और आप इस काम में लगे? भैया, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे लिए टाइम दिया गौशाला के लिए, भी ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी जागरूक हों। और कहने वाली बात यह भैया, पहले दिन 2020 के अंदर कोरोना टाइम में हमारे भाई है भीमसेन, बड़े भाई, वो लेके गए थे 4 बंदे। उसके बाद में जैसे गौ माता की दया हुई, आज कम से कम 100 युवा साथी हमारे साथ, जो हर दिन एक भाई नहीं जाएगा उसके साथ दूसरा भाई चला जाएगा। और एक आनंद ही अलग आता है गौ माता की सेवा करने में। और आपने देखा ही होगा जो गौ माता की सेवा करते हैं उसमें 4 साल से जो भाई गौ माता की सेवा करते थे उनसे कम से कम 50 भाई हमारे जो नौकरी लगे हैं, या उनके घर से कोई सिस्टर या कोई उनके घर से लगे हैं तो नौकरी लगे हैं। ये आनंद है गौ माता की सेवा करने का। और सबसे बड़ी बात ये है भी जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं लोग भी, जिनके माता पिता हमारे साथ भेज रहे हैं, तो सबसे बढ़िया बात है भी कोई बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता हमारे साथ वाला, ये सबसे बड़ा हमें हमारे भाइयों पर विश्वास है और बहुत बढ़िया बात है इनकी, भी नशे से दूर रहते हैं। मतलब रिप्लेसमेंट भी साथ के साथ है कि जॉब लग जाती है, उसके बाद फिर से नए लड़के आ जाते हैं गौ सेवा में। ये छोटे छोटे भाई हैं, ये साथ नए जुड़ रहे हैं, सबसे बढ़िया बात है भी ये छोटे भाई जुड़ेंगे तो इनको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा गौ माता की सेवा करने का, नशे से दूर रहेंगे, पढ़ाई में बढ़िया रहेंगे। और जो जिनके पढ़ाई चल रही है अभी लाइब्रेरी में जो लगे हुए हैं, उन भाइयों को भी बाहर लाए नहीं है, क्यों 8-9 तारीख के पेपर हैं उनके पंजाब के, तो उनको भी हमने ले जा रहे हैं, नए साथी हैं वो जा रहे हैं अभी। क्या शेड्यूल रहता है आपका सुबह जाने का, कितने बजे उठते हैं आप लोग, कैसे इकट्ठे होते हैं, कोई ग्रुप वगैरह कैसे काम करते हैं आप लोग? सुबह भाई साहब हम 2:20 पे उठता हूँ मैं। अच्छा, 2:20 पे उठने के बाद जब जहाँ बरसात का मौसम चल रहा है तो मालिक को फ़ोन करते हैं, मालिक बोलेगा अभी बरसात नहीं है, तो उसके बाद हमारा भाई है ये
गौशाला का है ये, बहुत 25 साल हो गए हमारे गौशाला में सेवा देते, इनके पास फोन करता हूँ, ये पहले दो घंटे में उठा लेते हैं मेरा फोन, ये अपनी चाय बना के यहाँ से निकलता है 2:30-3 बजे के बाद की निकलता है, मैं आधा घंटा फिर सो जाता हूँ दोबारा, अलार्म मेरी दोनों फोनों में लगी होती है। उसके बाद में 4-5 भाई हैं जो उनको फोन कर देता हूँ, भाई 5-5, 10-10 भाइयों की टोली बनाई होती है जो भाई अपने आप आगे आगे फोन करते हैं, हाँ वो 5 भाई को कोई उठाएगा, 5 भाई को कोई उठाएगा, ये ग्रुप बना रखा है जी, क्यों सभी को 20-25 भाइयों को फोन नहीं कर सकता अकेला। और मैं गाँव से घर से या किसी भाई का एक एक दो भाइयों का शौक रहता है, कोई बिस्कुट दे देता है, कोई केले ला के देता है, फुल सेवा पानी चलता है जी। और कितने बजे आप खेत में पहुंच जाते हैं? हाँ 5 बजे का टाइम है जी, चाहे चाहे हो 20 किलोमीटर चाहे हो 100 किलोमीटर, जहाँ भी जहाँ जैसे अब बनी से ला रहे हैं तो यहाँ 4:30 चलते हैं, 5 बजे के लिए खेत में होते हैं, अब लोहगढ़ जाते हैं तो यहाँ से 3:45-4 बजे यहाँ निकलते हैं तो लोहगढ़ जाते हैं, सुरतिया जाएंगे तो 2:30-3 बजे की यहाँ निकलेंगे यहाँ से, तो 5 बजे का टाइम रहता है, 8:30 वापस गाँव में आने का, 8:30 हाँ जी 8:30 गाँव में आ जाते हैं। आगे भी सेगमेंट में सेवा होती है, आगे दूसरी टोली, हाँ जी जब जो भाई हरा चारा लेके आ जाते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं, या कोई आराम करता है, कोई ड्यूटी चला जाता है, कोई मेरे जैसा दूध वाला है तो कोई अपना काम करता है, और जो दूसरे भाई है उनको फोन कर देते हैं भाई ट्राली इतनी देर बाद में आ जाएगी, 10:30 यहाँ पहुँच जाएगी, तो वो भाई आते हैं जो विनोद कुमार है, ये 5-7 भाई हैं, ये अपनी टोली को फिर तैयार रखते हैं, वो आते ही अपना यहाँ हरा चारा कटवाते हैं, और मान लो ये जो भाई हैं गौशाला में सेवादार हैं ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरा शो करते हैं इनका। ऐसा भाई साहब क्या मिलता है कि आप लोग सुबह इतनी जल्दी उठते हैं, सेवा करते हैं, लोग तो सो रहे होते हैं? भाई साहब यहाँ पहुँचने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ये भैया अभी सेवा करो, आपका मन की संतुष्टि है, सेवा करो जितनी हो बीती, बस यही है भाई संतुष्टि मिल जाए अपने, कई भाई पढ़ने वाला है तो बने भी चीज़ को फल मिली है, कोई और काम करने वाला है तो बिंग में भी आपकी संतुष्टि मिली है, बस ये। ऐसा क्या रखा है गौशाला में कि आपका पूरा गांव गौशाला के साथ जुड़ा हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में युवा यहां पर आते हैं? सभी गौशाला कमेटी की तरफ से और गोरक्षा दल की टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सुमन कुमार योगा ट्रेनर हूँ, मम्मड़ मेरी पोस्टिंग है और पिछले लगभग 30 सालों से गौशाला में आ रहा हूँ, तो इस टोली को प्रेरणा मिली है भी, जितने भी गौ सेवा कर रहे हैं हम सभी लोग मिल करके, और जितनी भी ज़्यादा गौ माता की सेवा करेंगे तो उसको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, और जो भी जिस काम को लगन से कर रहे हैं उसमें फ़ायदा है। अब जैसे पिछली अभी सरकार में या अभी जो सरकार चल रही है इसमें लगभग 70 युवा हमारे डी ग्रुप में या जो भी सी ग्रुप में जहाँ भी जिनको पोस्टिंग हुई है, तो वो उनमें से लगभग चाहे उनका भाई है, दादा है, चाचा है, सब लोग पूरे गांव में एक मतलब इस टीम से जुड़े हुए हैं, कोई धन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई तन से सेवा करता है, तो आप यहाँ पहुँचे हो और इन सभी लोगों की मतलब तरफ से एक प्रेरणा या जो भी एक दूसरी गौशाला है या दूसरे गाँव को एक शिक्षा मिलेगी या प्रेरणा मिलेगी भी। रसालिया गाँव में 3:15 जो भी उठते हैं सभी लोग उठ करके और एक दूसरे मेरे से पूछते हैं, 3:10 उठता हूँ लगभग मैं, तो जब भी जिस दिन मेरे को छुट्टी होती है मेरा भी जाना होता है, तो पूरी एक टीम वर्क है, अगर शाम तक हमारी ट्राली आ गई पहुंच गई, अगर उसको ना काटेंगे तो पूरी ट्राली हीट हो जाएगी, मतलब वो काम की नहीं रहेगी, तो एक टीम वर्क की तरफ से एक यूनियन है हमारी जैसे भी बनी है, चाहे उसको गोरक्षा दल मानो आप, और गौशाला में जितने भी सेवादार पहुँचते हैं सुबह 4 बजे से लेकर सब तन मन धन से सेवा करते हैं, तो हम तो यही कहना चाहेंगे भी पूरी हमारी जो टीम है पूरी तन मन धन से सेवा करती है, और जहाँ भी हम पहुँचते हैं जिम्मेदारों के पास काटने के लिए हरा चारा लेने के लिए वो भी बड़ा अच्छा सेवा करते हैं, चाहे वो अपने JCB के माध्यम से ट्राली को बाहर निकालना हो, चाहे ट्रैक्टर से माध्यम से निकालना हो, और कोरोना काल में भी जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया में जब गए तो इन पूरी टीम का सहयोग रहा है, 8-10 दिन तक जो भी लंगर सेवा थी सब चीज़ चली, और इस बिल्डिंग का सुधारने का काम है या मतलब इसको दोबारा निर्माण करने का है तो पूरे गोरक्षा दल की टीम ने इनको फोड़ तोड़ के बिना किसी मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करके इसको दोबारा इस बिल्डिंग को तैयार किया है, और हम तो ये कहना चाहेंगे बढ़ चढ़ करके जितने भी आसपास के गाँव या जो भी इस वीडियो को देखेगा सबसे ज़्यादा गौ सेवा में लगो, और दूसरी बात ये नशे से भी दूर रहेंगे जो बच्चे, चाहे वो बच्चा ग्राउंड में जाए चाहे गौ सेवा करना जाए, आज नशे की बहुत बड़ी लत है पूरे समाज के अंदर, मतलब चिट्टा है, अफीम है, चरस है, चाहे दारू है, बीड़ी सिगरेट है, तो ये कहना चाहेंगे हम भी जो बच्चे ग्राउंड में या गौशाला में जाएंगे तो उनकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और उनका मन भी ठीक रहेगा। जय गौ माता की। फारिक साहब आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ी संख्या में आपके जो सेवादार हैं वो भाई साहब इतनी सेवा, क्या बात भाई साहब? मैं एक बात बताना चाहता हूँ लोगों के मन में एक बहम है भी, गोरक्षा दल ग्रुप है ये
वो गुंडागर्दी वाला ग्रुप है, ये गुंडागर्दी वाला ग्रुप नहीं है। गांव में सेवा करो, गौशाला में सेवा करो। अब 10 दिन के बाद में मौसम चेंज हुआ है, बरसात हो रही है, पौधे भी लगाएंगे। जिन भाइयों के मन में मेम है भी ये गुंडागर्दी वाला है, वो गोरक्षा दल नहीं है, ये सेवा करने वाला गोरक्षा दल ग्रुप है जी। हाँ जी भाई साहब। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी श्री गौशाला रिसालिया खेड़ा में पहुँचने पर। मेरा तो ये विचार है भी हमारी युवा टीम है, अच्छी सेवा कर रही है, गौशाला कमेटी के साथ मिलकर तन मन धन से सहयोग कर रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, अच्छे विचार मिलेंगे बच्चों को। अगर गौशाला से जुड़ रहेंगे तो नशे से दूर रहेंगे, इनके परिजनों को भी बढ़िया अच्छा माहौल मिलेगा, भी हमारे बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में कितना गौवंश है जो आप सेवा कर पा रहे हैं? अभी लगभग हमारी गौशाला में 650 के लगभग गौवंश है जी। तो कितनी बड़ी संख्या में युवा टीम है और क्या रोजाना का शेड्यूल रहता है आपके? क्या प्रेरणा आप उन तमाम लोगों को देना चाहेंगे जो अपनी गौशाला में जाकर सेवा करें? हमारी टीम में लगभग हमारे गांव के ये 40-50 बच्चे हैं, सब युवा हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो मिलकर सुबह 3:30-4 बजे के लगभग उठते हैं। और हर गांव से जहां भी हमें फ़ोन मिलता है, हमारी कमेटी को जो भी सूचना मिलती है, कमेटी इन बच्चों को कहती है भी आप वहां से जाओ, आप वहां से हरा चारा लेके आओ। ये जाते हैं बच्चे, गांव में कोई भी बढ़िया फंक्शन हो, हमारे युवा वहाँ अपना तन और मन धन से सहयोग करते हैं। जैसे पर्यावरण की बात है, शिक्षा की बात है, जहाँ भी साफ सफाई की बात है, हमारी युवा टीम बहुत बढ़िया सहयोग कर रही है, गांव के साथ मिलकर अच्छा कार्य कर रही है। हमारे गांव का नाम हर जगह लिया जाता है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं सभी युवा साथियों से इतनी अपील करना चाहूँगा कि जो भी युवा किसी भी लत या बीमारी में फंसे हैं, वो गौरक्षा दल टीम रिसालिया खेड़ा से संपर्क करें। हम उनके नशे के बारे में, उनका नशा भी छुटवाएंगे। अगर अपने परिवार से अलग कोई रहकर भी इस कार्य में शामिल होना चाहता है कि भी हम परिवार के बगैर भी नशा पानी छोड़ना चाहते हैं, तो हमारी टीम उस युवा बच्चे का बगैर किसी ताम झाम के हम इस युवा बच्चों को इस दलदल से बाहर निकालेंगे और सभी बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिले, गौ माता की सेवा करें, सब जहाँ भी बुजुर्गों का सम्मान करें, जहाँ उचित स्थान हो वहाँ पर युवा टीम सबका हौसला और अफजाई करता हूँ। ठीक है, मेरे साथ पूरी गौशाला कमेटी भी है, उनसे बात करूँगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग जो रोजाना सेवा में जाते हैं? सर, ये गौ सेवा ही प्रमोद धर्म है, इसके द्वारा ही हम गौ सेवा केंद्र गौ सेवा ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके ये परम सुख है गौ सेवा ही। धन्यवाद, जय श्री राम, जय गौ माता। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, कैसा महसूस होता है रोजाना सेवा करते हैं? बढ़िया जी, सिस्टम है जी, बहुत अच्छा, गौओं की सेवा करने को मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है जी, सेनपाड़ा से बाबा जी है जी, उनकी मतलब बदौलत से मतलब बड़ा सिस्टम है जी, बहुत अच्छा है जी। हाँ जी, जय श्री राम, जय गोम। तो ये हम लोग आपसे कमेटी से मिलवा देता हूँ, बेहतर है कि आप चिट्टा वगैरह या फिर किसी खाली जगह पर बैठकर अपना वक्त जाया करें। प्रेरणा इन युवा टीम से, इस गांव से, इस गौशाला से आपको लेने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूँ कि बहुत अवभाग्य इस गांव का है जिस गांव के लड़के नशे से दूर गौ सेवा करते हैं। और अक्सर हर गांव से ऐसी खबरें आती हैं कि वहां पर नशे से मौत हुई है, लेकिन इस गांव से कभी ऐसी कोई खबर नहीं आई, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि इस गांव में नशे के ठेके या गुंडागर्दी या आवारागर्दी नहीं, बल्कि यहां पर शिक्षा की लाइब्रेरियां खुली है, जहां पर यहां के छोरे छोरियाँ बैठकर पढ़ते हैं और वो हरियाणा सरकार में, केंद्र सरकार में नौकरियां प्राप्त करते हैं। मैं क्या कहना चाहोगे आप, इतनी बड़ी संख्या में जो आपके गौ सेवा के अंदर जो बच्चे लगे हैं, कैसा महसूस करते हैं? मैं रामस्वरूप स्वामी वर्तमान अध्यक्ष गौशाला, 31 मार्च को जो कि सर्वसम्मति से चुना गया, ये मेरी सारी टीम है, कमेटी है। आज से 38 साल से कभी भी चुनाव नहीं हुआ, भाईचारे से कमेटी का गठन किया है। पहले हमारे पारिक साहब थे और भाईचारे से बैठ कर सबसे पहले मैं कमेटी की तरफ से गौशाला धरा पर जो तेज हरियाणा न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तो आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमें यहाँ आने का जो हमारा मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो गौरक्षा दल है हमारे गांव का, वो बहुत ही तय दिल से यहाँ सेवा कर रहा है और इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान है। जिस तरह की हमारी गौशाला की ये स्ट्रक्चर जो सामने है, ये सारा ही टूटा हुआ खराब था, इन्होंने अपने ही सहयोग से इनसे मतलब इसका मैन्युफैक्चर कराया है। और ये गौरक्षा का जो ये मेन है देवराम, इसने इसे इमरजेंसी का निर्माण खुद अपने पैसे से करवाया है और समय समय पर
ये सब कार्यों में सहयोग करते हैं और गौशाला के अंदर हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है, सबको समान दृष्टि से हम देखते हैं। अच्छा दान आता है, बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहे हैं हम। और हमारे गाँव के अंदर जो ऐसे कार्य सब गौशाला गौ माता की सेवा से ही ये हमारे गाँव का विकास हो रहा है। जितने बच्चे लगे हैं वो इसी इन्हीं की प्रेरणा से लगे हैं। और गांव के अंदर जो लाइब्रेरी चल रही है उनका बहुत ही योगदान है। और नशे से हमारा गांव बहुत ही पीछे है और इसी वजह से हम कामयाब हैं। ऐसी ही प्रेरणा आप आगे दूसरे गांवों को दो ताकि सबको ही इसका लाभ मिले और गौ माता की प्रेरणा से गांव के अंदर इतनी कोई प्राकृतिक बीमारियाँ भी नहीं आ रही, ना कभी ओढ़े पड़े हैं। बहुत ही कृपा है इस गौ माता की और इसके लिए आपके पहुंचने पर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और समय समय पर आप हमें भी प्रेरणा दें। ठीक है, तो परीक साहब आपको आखिरी बात कह रहे थे, आप इस आखिरी बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी गौशाला रिसालिया खेड़ा को संत महात्माओं का इतना आशीर्वाद मिला है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे यहाँ नज़दीक के सैनपाल में है बाबा तीर्थ सिंह जी, उनका हरा चारा में युवाओं को मेन प्रेरणा देने का स्रोत बाबा जी का है। और स्वामी परमात्मानंद जी महाराज और भी ऐसे संत महापुरुष हुए जो हमारी गौशाला में समय समय पर आते रहे, तो मैं उन संत महात्माओं को कोटि कोटि नमन करते हुए इस गोवा रक्षा दल टीम का उन्होंने स्थापना किया उनका श्रेय सारा मैं संत महात्माओं को देना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय श्री राम, जय गौ माता की। श्री गौशाला रिसालिया खेड़ा से हमारे साथ पूरी टीम जुड़ी थी। इस वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिएगा, वाकई ही बेमिसाल कहानी और आपको प्रेरित करने वाली है। जहाँ पर आज समाज को जिस मुझे लगता है वक्त की आवश्यकता है वो यहीं पर ठहरा है और इसी ठहराव से आपको भी सीखने की आवश्यकता है। जिस गांव के लड़के लड़कियां पढ़कर मेहनत करके ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं और सबसे बड़ा राज इस गांव का गौशाला में जो समर्पित भाव से सेवा को ही इस गांव ने बताया है। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, रिसालिया खेड़ा।